अपने कुशल नेतृत्व के लिए जाना जाता है, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो और चाहे सामाजिक कार्य हो। कल जम्मू ने एक बार फिर नई दिशा और नई उम्मीद जगाई है, जिसमें सभी लोगों ने नहर में जाकर शाह का विसर्जन किया। ये लोगों के धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन सभी चीजें ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार जम्मू ने अपने आप को कल प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं सभी जम्मू वासियों का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने जो दिशा कल ली है, इससे हमारी तरक्की, उन्नति और आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। आप मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस हमारे अभियान को आगे बढ़ाया और छोटी सी छोटी खबर भी आपने बताई और उससे लोगों में अवेयरनेस आई। मैं धन्यवाद करूंगा उन कॉलेजेस का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें एमसी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डोगरा लॉ कॉलेज, जेके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गैलेक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलोड़ा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भगवती नगर, शेरे कश्मीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिद्धरा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परेड, साईं श्याम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन, संत मेला सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिगियाना। इसके साथ साथ में हमने घाटों पर पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी, 10 ट्रक वहां से पूजा की सामग्री हमने अपने दूसरे स्थानों पर ली है, जहां उनको भू समाधि दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि लोगों ने खुद को परिवर्तित किया। समाज को कोई भी परिवर्तन लाना हो, जब तक समाज परिवर्तन लाना नहीं चाहे तो कोई चेंज नहीं ला सकता। और इस चेंज के लिए जम्मू वासियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और दूसरा, हमारे ऑफिस का स्टाफ जो है, राइट फ्रॉम ए कमिश्नर टू द सफाई साथी और सैनिटेशन विंग, जॉइंट कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, एसओज, इंस्पेक्टर्स और सभी लोग, सब ने बहुत ही मेहनत की है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। ये एक अभी शुरुआत है और मुझे ये भी जानकारी है कि नदी में कुछ हमारे नाले भी गिरते हैं, उसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिससे इन नालों हम ट्यूब के जरिए आगे लेंगे और वहां जाके फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद ये खेतों में छोड़ा जाएगा ताकि ये एज ए मैन्योर काम करे और हमारा एक पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बने। यहां से सीवरेज खेतों में गया, खेतों से हमें वनस्पति मिली और वो शहरों तक पहुंची, यानी कि एक पूरा एक सर्कल बनता है जो हमारा नेचुरल सर्कल होता है। तो इसलिए हर चीज की कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है और जम्मू वासियों ने ये शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ में हमने प्लास्टिक को पूरा बैन करना है, उसके लिए आने वाले दिनों में एक हम मैराथन करेंगे और उसके बाद एक बड़ी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। G20 का जो उद्देश्य है वो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें हम बाकी वाले लोकल बॉडीज जो हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए ये पूरी योजना बनाकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। उसके साथ साथ में कन्वेंशन भी होगी और प्लास्टिक को पूरे जम्मू शहर में बंद करेंगे, चाहे वो हमारा पॉलीथीन हो चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट हो। सर, कल अगर देखा जाए तो हर की पौड़ी की तरफ लोगों ने काफी ज्यादा साख प्रवाहित की है। आपने अभियान चलाया था कि साख प्रवाहित जो है वो नहरों में हो, उस पर क्या कहेंगे? 15 लाख की आबादी है जम्मू शहर में, 15 लाख में अगर 50 लोग कहीं चले जाते हैं तो ये मानना चाहिए कि आपका जो अभियान है वो सफल रहा। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ लोग जो हमारे लेबरर्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो हमारा मकसद अवेयरनेस था, हमारा मकसद ये नहीं था कि एकदम से सभी लोग मान जाएंगे और सभी चीजें सही पटरी पे चल पड़ेंगी। लेकिन ये भी बात समझने वाली है, जिस तरीके से समर्थन लोगों का मिला है, वो जो
समर्थन है वो अपने आप में बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें बॉर्डर बॉडीज को पॉलीथीन से और बाकी ऑब्जेक्ट से फ्री रखना है। जो हरकी पौड़ी की बात कर रहे हैं आप, वहां जो लोग आए थे, कई लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कईयों को जानकारी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है समाज में, सभी टाइप के लोग होते हैं, और उसमें हमको आगे के लिए ये रखना है कि उनको भी हमको अवेयर करते हुए आगे चलना है। मैं सब आप उस सेक्शन की बात करें जिन्होंने आपका ताबून दिया, लेकिन एक बड़ी सेक्शन ने मुखालफत भी की है। चौधरी लाल सिंह ने इस पर सवाल खड़ा किया कि धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और एक दिन करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेन स्ट्रीम में रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी कोई कुछ क्या कहता है वो आप उन्हीं से पूछिए, मेरा जो मकसद है मुझे उसमें जाना है और जनता को एज ए मेयर, एज ए फर्स्ट सिटीजन सही रास्ता बताना है और जनता उस पर चल पड़ी है। पॉलिथीन जम्मू कश्मीर से, जम्मू से खास करके पूरा बैन कर देना चाहिए, मगर जनता जो है वो आम नागरिक जो है वो एक सवाल बहुत ज्यादा उठाता नजर आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रही है क्यों ना उन्हीं को बैन किया जाए, तब जाकर कहीं पॉलिथीन नहीं आएगा। उसके लिए आप सबको जानकारी है, हमने एक मीटिंग की थी, उसमें हम स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के लोग, जीआरपी गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस के लोग, हमारा यहाँ सैनिटेशन का विभाग और उसके साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, सबको हमने इन्वॉल्व किया हुआ है और उनको हमने सबको टारगेट दिए हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे काफी मात्रा में ये ऑब्जेक्ट पकड़ा गया था। इसी प्रकार से जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं वह हमने कड़ाई से अभी काम करेंगे और जल्दी ही इसका हम आपको अल्टरनेटिव भी देंगे जो कंपोस्टेबल होगा और ये पॉलीथीन बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, जम्मू में यह मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, ये स्मगल होता है सारा, और वहां भी हमने एंट्री पॉइंट्स पे कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछना था, उसका जवाब तो आपने पहले ही दे दिया है कि आपकी नॉलेज में है, क्योंकि लोगों ने विरोध जताया कि गंदे नाले जो हैं वो तभी नदी में जा रहे हैं लेकिन आप साग वहां पे सर्जित नहीं करने दे रहे। और कब तक लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, कब तक ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा? उसका हमने डीपीआर बना दिया गया है, तो जैसे ही हमारे बाकी अरेंजमेंट होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके दो टाइप के सैंक्शन होते हैं, टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। प्रोजेक्ट हमने बना दिया है, अभी वो प्रोसेस में है और जल्द ही हम इसको भी लागू करेंगे, क्योंकि इसको नहीं लागू अगर करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर बॉडीज हैं वो प्रदूषित रहेंगी और हमारा मकसद ये है कि हमें अपनी बॉर्डर बॉडीज जो हैं उसको साफ रखना है। और आपने देखा होगा खुद भी कल, हमारा इस अभियान से दोनों चीजें हमारी साफ होगी, सूर्यपुत्री तभी भी साफ होगी और नहर भी साफ होगी, क्योंकि वहां हमारे इतने अधिकारी लगे थे और लोगों ने भी परात में घर से साख लाई है और कईयों ने वहां टोकरियों में लाई है और पॉलीथीन का लोगों ने कम से कम इस्तेमाल किया है। और आज भी अगर आप नहर पे जाते हैं आपको ये चीजें कम नजर में आएंगी। और जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 10 ट्रक हमने उसको ढोया है दूसरे प्लेसेस पे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी मेहनत से सभी ने काम किया और लोगों ने कितना घर से ही सहयोग किया, उन्होंने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी अभियान को लेकर आगे चलना और उसमें पब्लिक का सहयोग मिलना और पब्लिक बढ़ चढ़ के उस पर साथ दे, इसका मतलब है कि वी आर ऑन ए प्रोग्रेसिव पाथ। म्युनिसिपल लिमिट्स के लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आपका साथ दिया इस मुहिम में, लेकिन वही रूरल एरियाज जहां पर ये नहरें बॉर्डर तक अर्निया तक जाती हैं, वो लोग कोस रहे हैं कि हमारे जो छोटे ब्लॉक्स हैं जहां से हम पानी लेते हैं, जिसको सुए भी कहते हैं, वो तो इस कचरे ब्लॉक हो गए हैं। ज्यादातर जो सारा जितना भी ये साफ का जो सामग्री थी ये बहती हुई आगे चली गई है, ये तो रुकी नहीं क्योंकि वहाँ पे रुकने का कोई प्रोविजन नहीं है बड़ी नहर में, तो उसका क्या है, वो तो लोग दुखी हो गए हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है आपकी जो अच्छी कारगुजारी है वो इरिगेशन विभाग की? देखिए जो आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान लेंगे और जो संबंधित विभाग है उससे उसकी सफाई कराएंगे। मेयर साहब हाँ, देखिए चीज़ें ऐसा ऐसा आगे बढ़ती हैं, एकदम से सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। कोई आप एक काम करते हो उसके साथ में 10 और परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो आदमी को आगे चलते रहना होता है, परिस्थितियों का सामना करना होता है, उसी प्रकार से समाधान निकालने होते हैं। अभी ये जब अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो गया है तो ये चीज़ें भी लोगों के संज्ञान में आएंगी और
समाज जब बदल रहा है, समाज ने इतना बड़ा संकेत दे दिया, तो हमें उसको पॉजिटिव नोट में लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नालों को लेकर तवी नदी से नाले जो है वो आगे शिफ्ट किया जाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। देखो मुझे तो 4 महीनों की बात करनी है, मुझे तो 4 महीने हुए हैं, ठीक है, और आज मैं कोई अगर चीज कह रहा हूँ और उसमें हम पूरा काम करेंगे, और आपको सबको जानकारी है जो जो मैंने कहा है वो मैंने किया है और बाकी लोग भी कर रहे हैं। मेयर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपके यहाँ। आपने कहा था कि पॉलिथीन जिसके पास मिलेगा ही विल बी पेनलाइज्ड। हाउ मच द डिपार्टमेंट हैज जनरेटेड द ड्यूज एंड हाउ मच पॉलिथीन हैज बीन सीज्ड टिल योर टेन्योर। अभी कोई हमने 1 लाख से ऊपर तक फाइन कर दिया है लोगों को, और पॉलीथीन भी हमारा एक पूरा स्टोर भर गया है। उसके लिए हमने एक स्पेशल स्टोर रूम बनाया है, काफी मात्रा में हमने पकड़ा है पॉलीथीन को भी। और आपको जैसे मैंने बताया रेलवे स्टेशन पे तो पूरा एक कंपार्टमेंट पकड़ा गया था, तो ये कार्रवाई चल रही है, इसको हमने अभी और तेज करना है, क्योंकि कोई भी चीज है उसको ऐसा ऐसा से आगे बढ़ाना चाहिए, और ताकि उसके साथ साथ में दूसरे कोई ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल होते जाएं। तो हम उसमें कर रहे हैं, हर चीज का एक प्रक्रिया होता है, तो चल रहा है, और जैसे कि लोग खुद ही जब सहयोग कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कोई किसी को बदल नहीं सकता जब तक समाज खुद ना बदलना चाहे, तो समाज खुद ही बदल रहा है, तो ये इतना अच्छा संकेत है और इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। मेयर साहब, क्या कब तक आपकी रूटीन कोर्स में चेकिंग नहीं होती है? कभी कभार 15 दिन के बाद, 20 दिन, क्या ये अल्टरनेटिव डेज में ना हो कि ताकि पूरे अंकुश लगाए जाए? आप आने वाले दिनों में खुद ही देखोगे कि इस पे कैसे अंकुश लगता है। अब सब बातें मुझे फोन पे नहीं बोलनी है और ओपन नहीं बोलनी। जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से लोगों ने समर्थन दिया, जिस प्रकार से लोगों ने स्वयं इसमें भागीदारी दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से हमें कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि लोग खुद ही संभल गए हैं। आप देखो 15 लाख की पॉपुलेशन है हमारी जम्मू सिटी की, और उसमें से कितने लोग तभी रिवर में गए हैं, और सबने इसका प्रबंध का जो हमने किया था वहां खुद आके उन्होंने अनुसरण किया है, वहां उन्होंने साख को उस तरीके से उन्होंने विसर्जित किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है जो आदमी समझना चाहेगा। तो हर साल इसी तरह के आप बिल्कुल होगा, हर साल नहीं, मैंने आपको बताया ना, दिस इज जस्ट ए बिगनिंग। इसके बाद में हम स्कूल्स के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं और मैराथन करेंगे, उसके बाद में कन्वेंशन करेंगे, दिस इज अ रेगुलर फीचर। और सबसे बड़ी बात यह है घर घर तक ये मैसेज गया है। एक आपके ही मीडिया कर्मी है, उनके घर में मेड आती है वहां बावे से, तो वो पूछने लगे तू इतने जल्दी क्यों कर रही है, कहते मैंने इस बार साख को परवाने के लिए नहर में जाना है। वो उसने बोला किसने बोला, उसने बोला मेयर साहब ने बोला हुआ है। तो ये देखो ना, घर तक वो आपका अवेयरनेस कैंपेन पहुंचा वहां, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो अगर समाज आगे बढ़ रहा है तो हमें भी उसके साथ बढ़ना है और समाज पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। साहब 75 के 75 कॉर्पोरेटों को इस मुहिम में उनकी साझेदारी रहेगी, भागीदारी रहेगी? साझेदारी तो रहती है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ इसका मतलब कॉर्पोरेटर ही कर रहे हैं। कुछ नाराज भी है आपसे? वो उनसे पूछिए, मैं किसी से नाराज नहीं। 31 मार्च है आज, तो स्मार्ट सिटी की बात करें तो कुछ जो है वो एरिया पे काम रुका हुआ है, क्या लगता है कि कल 1 अप्रैल है, नया फंड जो आ रहा है किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा और कहाँ कहाँ पे जो काम रुका है वो स्टार्ट किया जाएगा? सभी काम चल रहे हैं, नवरात्रों के कारण हमने कुछ काम रोके थे ताकि लोगों को असुविधा ना हो, तो वो जो काम है वो वार फुटिंग पे है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। हाँ बताइए। हर एक जगह बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के कार्य चल रहे हैं, सराहनीय है, लेकिन इस वक्त हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं इसी छत पे लगा हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ है, उस पे कब ध्यान देंगे? कब ध्यान देंगे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं वो जो सालों से फटा होगा। कल रात को आंधी आई थी, उससे वो फट गया होगा, तो हम उसको चेंज करवा देंगे। बाकी मेरा आप सब से विनम्र निवेदन है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। धन्यवाद। कल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा? प्रॉपर्टी टैक्स तो एक तरीके से लागू होना था, लेकिन अभी हमारे QR कोड का प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो नहीं होता, क्योंकि हमने हर घर को एक नंबर देना है,
तब तक उसको हम जारी और चालू नहीं कर पाएंगे।